अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम यासिर है। हम अभी इस वीडियो में देख रहे हैं, ये दो पोर्ट्स हैं, ये पानी के पोर्ट्स हैं बर्ड्स की। और इसके आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने अच्छे तरीके से इसको साफ़ करना है। और बर्ड दोस्तों, बर्ड्स की जो पोर्ट्स होते हैं जिसमें आप पानी डालते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से इसको साफ़ कीजिए। अगर ये गंदे होंगे तो बर्ड्स बीमार होंगे, बर्ड्स में बीमारियाँ आएंगी। अगर आप इनमें सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे तो बर्ड्स बीमार नहीं होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि इसको किस तरह क्लीन करना है। और ये आप देख रहे हैं, ये नल है ऊपर और नीचे ये पोर्ट्स रखे हुए हैं। मैं अभी आपको इसका बताता हूँ कि इसको किस तरह से साफ़ करना है। तो मेरे साथ रहिए, मेरी पूरी वीडियो देखिए। सो दोस्तों, ये देखिए ज़रा। सो दोस्तों, इस वीडियो में आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास ये कपड़ा है थोड़ा सा, ये मैंने ये नल खोला है और इसको पहले खोल लेते हैं। ये देखिए, फिर हल्का सा नल चलाते हैं, उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से इसको साफ़ कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये इसको डेली साफ़ कीजिए पानी देने से पहले सुबह। और आपको इसका बहुत अच्छे तरीके से आपको बर्ड्स की केयर के लिए इसका पानी जो है उसके जो पोर्स हैं उसको साफ़ करना होगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनकी वीडियोस देखी है, उनके घर पे जाके सेटअप देखे, वो अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करते, उनका पानी बहुत बुरा होता है, उनके पोर्स बहुत बुरे होते हैं और जो कि बीमारियों का बाइस बनते हैं। ये देखिए, आप इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कीजिए। ये मेरे कॉलोनी के पोर्ट हैं, कॉलोनी में इनके अंदर पानी डाल के मैं रखता हूँ बर्ड्स के लिए। ये देखिए, इसको अंदर से भी साफ़ करेंगे। इस तरह अच्छे तरीके से इसको साफ़ करना है। ये एक साफ़ हो गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो, इस तरह इसको साफ़ करना है बहुत अच्छे तरीके से। सो दोस्तों, देखा आपने, मैंने इस तरह से इसको साफ़ किया है। तो आप भी अपने जो है पोर्स को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कीजिए। उसके बाद जब ये साफ़ हो गए, उसके बाद ये इसको थोड़ा सुखाने के बाद इसके अंदर आप फ्रेश वाटर उनको बर्ड्स को दें। आप डेली बेसिस पे सफाई करेंगे तो आपके पोर्स भी साफ़ रहेंगे और आपके बर्ड्स भी हेल्थी रहेंगे, उनको बीमारियां बहुत कम लगेंगी। मेरा तो तजर्बा है कि उनको बीमारियां लगेंगी ही नहीं जब आप उनके केजेस की सफाई रखेंगे, उनके पोर्स की सफाई रखेंगे और उनको दाना अच्छा देंगे साफ, तो वो बीमार नहीं होंगे। तो सो दोस्तों, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिए, सफाई का भी, और उनकी हेल्थ इसी से अच्छी होगी। सो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।